लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका भी लगा, मगर अब हार की समीक्षा और कारणों का पता लगाया जा रहा है। कई नेताओं की लखनऊ से लेकर दिल्ली दरबार तक पेशी हो चुकी है, जिसके बाद आरएसएस के बड़े चेहरों ने कहा कि बीजेपी में अहंकार आ गया था, जिससे खूब बवाल भी मचा। हालांकि इन सभी खबरों को एक तरफ रखें तो सबकी नजरें चुनावी नतीजों के बाद गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात पर टिकी थी, मगर मुलाकात नहीं हुई। फिर क्या था, गोरखपुर से लखनऊ तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। संघ प्रमुख पहले भी गोरखपुर जाते रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी होती रही है, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन तो पहले नहीं देखा गया। मोहन भागवत सरसंचालक का पद संभालने के बाद गोरखपुर छठी बार आए थे। ऐसा पहली बार हुआ जब उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई और वो गोरखपुर में 6 दिनों तक रहे। हालांकि रविवार को सीएम योगी गोरखपुर से ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जेरियाट्रिक वार्ड में भर्ती अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था। सीएम योगी की आरएसएस प्रमुख से मुलाकात न होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि कई बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी में कोई टकराव नहीं है, वो उनका मात्र संगठन है और कोई दूरी नहीं है। आरएसएस हमारा मात्र संगठन है, कोई टकराव नहीं है, कोई दूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज, देश और राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति निर्माण की राजनीति करती है, ये आरएसएस ने ही सिखाया है। लेकिन इस सब के बावजूद इन बातों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा कि मोहन भागवत और सीएम योगी की बंद कमरे में मुलाकात हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसी क्या बातचीत थी जो आधे घंटे वो बंद कमरे में कर रहे थे? सार्वजनिक जीवन के लोगों को खुलेआम बताना चाहिए, सूत्रों के जरिए क्यों बातचीत कर रहे हैं? आदरणीय मोहन भागवत जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी संघ और भाजपा में आखिर ऐसा कौन सा क्लेश चल रहा है जो वो बंद कमरे में बैठ करके उसको सुलझा रहे हैं? जनता को जानने का हक है, क्योंकि आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता को जानने का हक है कि भाजपा वाले और आरएसएस वाले अपने झगड़े निपटा रहे हैं या जनता के हितों की बात कर रहे हैं, महंगाई दूर करने की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की समस्या खत्म करने की बात कर रहे हैं, या किसको मुख्यमंत्री बनाना है, हटाना है। मगर यूपी की सियासत में क्या कुछ चल रहा है उसे समझना जरा मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ घटनाक्रम बड़े ही पेचीदा भी रहे हैं। क्योंकि घोसी हारने के बावजूद योगी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, कहने के लिए इसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया जा रहा है, मगर मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार में मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 दिनों तक गोरखपुर में रहते हैं और उसके बावजूद भी उनकी सीएम योगी से मुलाकात नहीं हो पाती है। गौर करने वाली बात तो यह है कि यूपी में इतना सब कुछ तब हो रहा है जब 18 जून को खुद पीएम मोदी वाराणसी में आने वाले हैं, और उससे पहले डैमेज कंट्रोल करती हुई बीजेपी कंफ्यूज ही नजर आ रही है।